नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो इन्फॉर्मेशन है अबाउट डेटा टाइप्स। बिना डेटा टाइप की नॉलेज के मित्रों, आप किसी भी लैंग्वेज में, क्या सी हो, क्या सी प्लस प्लस हो, क्या जावा हो, क्या पाइथन हो, आप कोई प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा, जब तक आपको इस बात की जानकारी ही नहीं होगी कि भैया क्या, कि भैया वो लैंग्वेज कितने प्रकार की जानकारियों को हैंडल कर सकती है, तब तक आप कैसे कोई इफेक्टिव डेवलपमेंट कर पाओगे, कोई इफेक्टिव नॉलेज गेन कर पाओगे और सबसे बड़ी बात है कोई एप्लीकेशन डेवलप कर पाओगे। आपको मालूम है कि आपकी जिंदगी में चारों तरफ आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार की जानकारियां। देखिए इंसान, हम आप इतने इंटेलिजेंट हैं बच्चों कि देखकर, सुनकर, छूकर, महसूस कर, समझकर, ऊपर वाले ने हमारे पास जो ये गिफ्ट दिया है ना, इसकी कीमत को पहचानना बहुत जरूरी है। और गिफ्ट क्या है? वो ब्रेन। दुनिया की कोई मशीन, आज एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कोई मशीन अभी हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द पहुंचने का सोच भी नहीं सकती। तो भैया कंप्यूटर को कैसे इतना काबिल बनाया जाए कि वो इन्फॉर्मेशन को डिफरेंशिएट कर पाए। देखिए बनाने वालों ने बड़ा सोच के ये डेटा टाइप बनाया था। उनको मालूम था कि कंप्यूटर स्वयं से, अब जैसे हम हैं, मैं कह रहा हूं मेरा नाम ये है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जानकारी इनके नाम की है। कोई नाम, कोई शहर का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी किताब का नाम, नाम सब है, लेकिन आप डिफरेंशिएट कर लेते हो भाई, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हो। लेकिन क्या ये कंप्यूटर्स भी इतने इंटेलिजेंट हैं? जी नहीं। तो उनको कैसे इतना इंटेलिजेंट बनाया जाए? तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक विषय, जिसका नाम ही क्या है, उस विषय का नाम ही है बच्चों डेटा टाइप्स। और आज जो मैं डेटा टाइप्स आपको बताने जा रहा हूं, वो सी डेटा टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सी लैंग्वेज मदर है ऑल लैंग्वेजेस की। सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। मदर का मतलब जननी, जन्म है, यहीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। हर लैंग्वेज ने सी से ही कुछ न कुछ लिया है, कुछ न कुछ प्राप्त किया है, कुछ न कुछ सीखा है। चाहे जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट पे आप चले जाइए, सी नहीं हट सकती। तो मेरे भाई सी में कितने प्रकार के डेटा टाइप हैं? तो आइए अब मैं फॉर्मली बताता हूं। एनी लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स द types of information is called, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, is called data types। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कोई भी भाषा जितने प्रकार की सूचनाओं को, जितने प्रकार की जानकारियों को सपोर्ट करती है, उसी सूचना को, उसी जानकारी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग उसी जानकारी को बच्चों डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं। डेटा टाइप्स वो जानकारी है, वो इंफॉर्मेशन है जो हमें बताती है कि कोई भाषा, कोई लैंग्वेज कितने प्रकार की सूचनाओं को हैंडल कर सकती है, कितने प्रकार की सूचनाओं पे वर्क कर सकती है या कार्य कर सकती है। तो आइए देखा जाए सी में कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं बच्चों। तो चलो सी डेटा टाइप्स पे लेते हैं। तो अगर मैं सी के डेटा टाइप्स की बात करूं, तो मैं इनको मेनली दो प्रकार से, जिसको मैं कहूंगा प्राइमरी और दूसरा कौन सा, सेकेंडरी। अगर मैं प्राइमरी में कहूं तो कौन कौन से डेटा टाइप्स आपके प्राइमरी डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आएंगे? तो आप सबसे पहले INT यानी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये तीन डिफरेंट डेटा टाइप्स जो
जो सी के प्राइमरी डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आएंगे बच्चों, और जब बात आएगी किसकी, आपके सेकेंडरी डेटा टाइप्स की, व्हेन वी डिस्कस अबाउट सेकेंडरी डेटा टाइप्स इन सी, तो आप देखो सेकेंडरी डेटा टाइप में तुम एरे, तुम पॉइंटर, तुम स्ट्रक्चर, तुम इनम, इस तरह से न जाने कितने अदर डेटा टाइप्स को आप डाल सकते हैं किसमें, सेकेंडरी। बच्चों एक चीज और मैं बता दूं, प्राइमरी डेटा टाइप्स को कुछ लोग प्रिमिटिव और सेकेंडरी डेटा टाइप्स को कुछ लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बुलाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी डेटा टाइप को कहीं कहीं पे प्रिमिटिव और सेकेंडरी डेटा टाइप को कहीं कहीं पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी कहा जाता है, और इसमें कोई गलत नहीं है। अब मुद्दा उठता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या संबंध होता है, तो याद कर लीजिए ये जो प्राइमरी है ये आपके बेसिक डेटा टाइप्स हैं, ये आपके बेसिक डेटा टाइप्स हैं। बेसिक डेटा टाइप्स का मतलब जिनका निर्माण सी के द्वारा ही किया गया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि ये जो सेकेंडरी डेटा टाइप है ये इन्हीं प्राइमरी डेटा टाइप की हेल्प से, मदद जिसे कहा जाता है, से बनते हैं। और सेकेंडरी डेटा टाइप को हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, कुछ लोग इन्हें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी कहते हैं। क्यों इनको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहा जाता है भाई, क्योंकि ये वो डेटा टाइप्स हैं जिनका निर्माण प्राइमरी डेटा टाइप्स की मदद से होता है, और ये यूजर की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो कैसे डेटा टाइप को बनाना चाहता है, क्या उसकी संरचना रखना चाहता है, क्या उसका स्ट्रक्चर रखना चाहता है, क्या उसका प्रकार घोषित करना चाहता है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है आपकी, कितने प्रकार के डेटा टाइप्स तुम्हारे पाए जाते हैं सी लैंग्वेज में। तो मैं देखिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दो प्रमुख डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहां प्राइमरी का मतलब आप देख लो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, बने बनाए हैं, बिल्ट इन भी कह सकते हो, बहुत नाम है। अगर आपने समझ के रख लिया ना, अगर आपको आइडिया मिल गया तो उसके बाद दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जनरल आइडिया सबका होना चाहिए कि किसे हम प्राइमरी कहेंगे, किसे हम प्रिमिटिव कहेंगे, किसे हम बिल्ट इन कहेंगे। अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा आपको प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। प्राइमरी प्राइमरी डेटा टाइप पे जब आप चलेंगे सी के, सी लिख दे रहा हूं, सी है ये, तो सबसे बेसिक इंटीजर, ये जो INT डेटा टाइप है बच्चों, इसकी क्या खासियत है, इसमें मिनिमम एट लीस्ट वन डिजिट होगी। दूसरी क्या खास बात होगी, ये पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, कैन नॉट कांट कंटेन डेसिमल, इसमें डेसिमल तो बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं इंटीजर के बारे में बता रहा हूं। चौथी खास बात, इट टेक्स टू बाइट स्पेस। और एक बात और जान लीजिए, इट्स रेंज, इसकी जो रेंज होगी मेमोरी पर, माइनस 32,768 से प्लस 32,767। देख लीजिए सब लोग, ये कुछ खास बातें हैं आपके इंटीजर डेटा टाइप की। क्या है इंटीजर डेटा टाइप की प्रमुख बातें, कि कम से कम इसमें मिनिमम एक डिजिट तो होगी तभी ये इंटीजर होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दशमलव नहीं अलाउड है। और ये मेमोरी पर अगर इसको स्टोर करना है बच्चों, तो ये 2 byte लेता है नॉर्मली बाय डिफॉल्ट, और इसकी जो रेंज है आप इंटीजर डेटा टाइप में सिर्फ बहुत छोटा नंबर है, 32,768 जीरो से पीछे और जीरो के आगे 32,767, यानी यही एक
कुल मिला के 65-66 हजार की रेंज के नंबरों को ये स्टोर कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम यूज होता है सी में जिसका, और इसका सी में यूज करना है तो आप इसको डिनोट कैसे करते हैं, परसेंटेज ऑफ डी से। किससे डिनोट होता है? परसेंटेज ऑफ डी से। तो उम्मीद है इंटीजर आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिक डेटा टाइप है वो है फ्लोट। कौन सा डेटा टाइप है? तुम्हारा फ्लोट डेटा टाइप है। ये फ्लोट कैसा डेटा टाइप है? तो इट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये कैसा नंबर है बच्चों? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, मिनिमम 1 डिजिट तो होगी, मस्ट कंटेन। ये हमेशा क्या रखेगा? डेसिमल पॉइंट। और इट टेक्स 4 बाइट स्पेस। और इसको सी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? परसेंटेज एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सब जानते हैं, आप भी जानो, सी लैंग्वेज में जो फ्लोट है, फ्लोट का मतलब मैं फिर वही कहूंगा, अपूर्ण संख्या है, तैरने वाली, अर्थात ये कोशिश कर रही है अपने आप को कंप्लीट करने की, लेकिन है अपूर्ण। मिनिमम 1 डिजिट होगी, कम इसमें निश्चित तौर पे आप डेसिमल पॉइंट स्टोर करेंगे। यानी अगर आपने देखिए लिख दिया 6.9, तो ये कैसा नंबर है? फ्लोट। -0.37 कैसा नंबर है? फ्लोट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। ये भी एक पॉइंट है, याद रखिएगा कि इट कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये कुछ खास बातें अबाउट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के बारे में। और तीसरी बात मैं करता हूं, कैरेक्टर डेटा टाइप। सी में तुम्हारा जो कैरेक्टर डेटा टाइप है ये क्या है? इट मे बी सिंगल, या सिंगल बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, सिंगल ये डिजिट हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, या स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, लेकिन वो सिंगल होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर वो सिंगल नहीं है बच्चों तो वो कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर की मैक्सिमम विड्थ, इट्स जो मैक्सिमम विड्थ है ना, वो कितनी है? 1 कैरेक्टर। तो इसीलिए मैं सिंगल बोल रहा हूं। और कैरेक्टर डेटा टाइप को अगर आपको बनाना है तो याद रखिएगा, इसमें जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगता है वो पॉइंट्स टू लेफ्ट। अगर मैंने यहां लिख दिया 1, ये आपका वैलिड कैरेक्टर है। अगर मैंने यहां लिख दिया यक्स, ये आपका वैलिड कैरेक्टर है। अगर मैंने यहां लिख दिया डॉलर कॉमा में, ये भी वैलिड है। लेकिन अगर मैंने दे दिया कैपिटल में ए, तो क्या ये वैलिड है? नो, इट इज नॉट वैलिड। क्यों ये वैलिड नहीं है बच्चों? बिकॉज यहां पर जो कॉमा है, एक तो राइट है और दूसरा क्या है? लेफ्ट है। जबकि यहां पर दोनों लेफ्ट है, यहां दोनों लेफ्ट है, यहां दोनों लेफ्ट है। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन करेक्ट डिक्लेरेशन एंड रॉन्ग डिक्लेरेशन। तो याद रखिएगा, सी लैंग्वेज में जो कैरेक्टर को हम डिक्लेयर करते हैं उसमें जो कॉमा यूज होता है उसका डायरेक्शन ऑलवेज पॉइंट्स टू लेफ्ट होना चाहिए। और बच्चों एक और खास बात कि कैरेक्टर डेटा टाइप कंटेन्स 1 बाइट स्पेस। यानी एक कैरेक्टर मेमोरी पर कितने बाइट लेगा? 1 बाइट लेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और एक और आखिरी बात कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों वो कैसे होता है? परसेंटेज सी से होता है। तो देखिए ये कुछ खास बातें
आपके कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में अगर इतनी जानकारी तुम्हें है, इतनी सूचना अगर आपके पास है बच्चों, तो आप बड़े आसानी से सी के बेसिक डेटा टाइप से पार पा जाओगे और आपकी जानकारी बढ़ जाएगी और आप सी लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाओगे। रही बात बच्चों सेकेंडरी डेटा टाइप की, जो मैंने पीछे अभी आपको चित्र में दिखाया कि सेकेंडरी डेटा टाइप, मैंने इतने की जानकारी आपको दे दी है आज के वीडियोस में। सेकेंडरी डेटा टाइप के लिए मैं कोई नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, जिसमें आपको एरे, जिसमें आपको पॉइंटर, जिसमें आपको स्ट्रक्चर, जिसमें आपको इनम, ये एक साथ नहीं बन पाएगा। एरे अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, पॉइंटर अपने आप में एक बच्चों बड़ा टॉपिक है, स्ट्रक्चर क्या है, इनम क्या है, सब के बारे में वीडियोज मिलेंगे आपको। तो आपको अगर हमारे अच्छे अच्छे वीडियोज यूं ही चाहिए तो आपको बस करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, हमारे चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ जी, अगर आपको कंप्लीट सी सीखनी है विथ नोट्स विथ पीडीएफ, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल बहुत आसान है बच्चों, कि आप डाउनलोड कर लीजिए यूनिक ग्रुप के ऐप को फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो मैं नितिन श्रीवास्तव इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे यार तो मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक लाइक जरूर कर देना। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड नमस्कार, बाय बाय।